हरे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। और आज मैं बात करूंगा एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पर। यह वीडियो उन सभी शिक्षकों के लिए है जिन्होंने अपना बीएड पूरा कर लिया है, और उन सभी भावी शिक्षकों के लिए भी जो शारीरिक शिक्षा में शिक्षा स्नातक यानी कि बीएड की उपाधि लेना चाहते हैं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, राजस्थान में एमएड के कोर्स के लिए प्री एमएड टेस्ट इस वर्ष 2021 में राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इसकी जो परीक्षा है वह है 6 जून 2021 को होना प्रस्तावित है। आइए देखते हैं किस प्रकार से आपको इसमें आवेदन करना है, और इसकी अंतिम तिथि से लेकर के अन्य सभी जानकारियां भी हम इस वीडियो में शामिल करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, राजस्थान यूनिवर्सिटी द्वारा यह अधिसूचना जारी की गई थी, जिसमें 22 अप्रैल 2021 से, और यहाँ 21 मई लिखा हुआ है लेकिन वर्तमान में 31 मई तक इसके फॉर्म जारी हैं। अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। आगे इसमें लिखा हुआ है कि बीपीएड के अलावा यानी कि बीपीएड को छोड़ के अन्य सभी एमएड, इंटीग्रेटेड एमएड और एमपीएड की जो परीक्षाएं हैं वह 6 जून को होना प्रस्तावित है। और इनसे संबंधित अन्य अपडेटेड जानकारी के लिए आप संबंधित साइट को विजिट करते रहें। एमएड के लिए जो साइट है वह है www.pmet2021.com। इंटीग्रेटेड बीएड एमएड के लिए जो साइट है वह है www.pbmet2021.com। बीपीएड के लिए साइट है bppeed2021.com। और एमपीएड के लिए जो वेबसाइट है वह है www.pmped2021.com। दोस्तों, हम सबसे पहले बात करते हैं एमएड की। प्री एमएड का जो टेस्ट है यह एमएड के पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए अनिवार्य है, और एमएड का पाठ्यक्रम सामान्यतः 2 वर्ष का होता है। किंतु यदि आपने अभी तक बीएड नहीं किया है और आप शिक्षा के क्षेत्र में अपना करियर बनाने की सोच रहे हैं तो आपको इंटीग्रेटेड बीएड एमएड करने का ऑप्शन भी मिलता है, जिसमें आपकी दोनों ही डिग्रियां 3 वर्ष की समयावधि में पूरी हो जाती है। दोस्तों, यहां पर सबसे पहले हम बात करेंगे पीएमईटी यानी कि प्री एमएड एंट्रेंस टेस्ट 2021। इसके लिए आपको विजिट करना होगा pmet2021.com। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ आपको अप्लाई या एप्लीकेशन फॉर्म के लिए फिल करने का ऑप्शन मिलेगा। इस पर आप क्लिक करके सिंपली अपना फॉर्म जो है आप फिल कर सकते हैं। यहाँ पे सिंपल प्रोसेस आपको अपनानी है और जिससे कि आपका फॉर्म जो है वो फिल हो जाएगा। इसके संबंध में सामान्य दिशा निर्देश आप पढ़ना ना भूलें, जरूर से पढ़ें, उसके बाद ही फॉर्म फिल करें। अपनी एलिजिबिलिटी को चेक करें कि आप योग्य हैं इस कोर्स में दाखिला लेने के लिए। और अगर आपको किसी प्रकार की समस्या आ रही है तो आप पीएमईटी हेल्प नाम का जो ऑप्शन इस वेबसाइट पर दिया है उसका उपयोग करके अपनी समस्या को दूर कर सकते हैं। दोस्तों, एमएड का कोर्स बेसिकली टीचर ट्रेनर्स के लिए होता है, यानी कि टीचर ट्रेनिंग जो पूर्व सेवाकालीन टीचर ट्रेनिंग होती है यानी सेवा से पूर्व, जिन्हें हम सामान्यतः बीएड के नाम से जानते हैं। बीएड जब कोई भी प्रशिक्षणार्थी करता है तो उसे सेवा पूर्व प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, और यहाँ पर बीएड कॉलेजों में जो अध्यापन कार्य कराते हैं उन सभी टीचर्स के लिए एक अनिवार्य जो अर्हता है, डिग्री है, वह एमएड होती है। उसके बाद में नेट, पीएचडी, अन्य क्वालिफिकेशंस हैं। तो आपको जितने भी बीएड कॉलेज हैं उनमें जो ट्रेनिंग देने वाले टीचर ट्रेनर्स हैं उनके लिए एमएड का कोर्स अनिवार्य होता है। इसी तरह से जो पोस्ट सर्विस ट्रेनिंग्स होती हैं, डाइट इत्यादि में जो सेवा काल के दौरान शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, उसमें भी एमएड किए हुए शिक्षकों को या टीचर ट्रेनर्स को ही वरीयता दी जाती है। तो वहां पर भी एमएड कोर्स की उपयोगिता होती है। तो शिक्षा के क्षेत्र में अपना करियर बनाने वाले, शिक्षा के प्रति समर्पित और सभी प्रोस्पेक्टिव टीचर्स जो आने वाले समय में शिक्षक बनना चाहते हैं, वे सभी जिन्होंने बीएड किया हुआ है वे एमएड कोर्स में, और जो बीएड करने की सोच रहे हैं वे सभी इंटीग्रेटेड बीएड एमएड कोर्स में दाखिला ले सकते हैं। दोस्तों, शारीरिक शिक्षा से बीएड करने का ऑप्शन भी यहाँ पर है। नोटिफिकेशन में बताया गया है कि बीपीएड की जो एग्जाम होती है, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, यह भी
इसके भी फॉर्म जारी हैं, 31 मई तक आप इसके फॉर्म भर सकते हैं। और इसकी जो एग्जाम है इसके संबंधित सूचना आपको संबंधित वेबसाइट से प्राप्त हो जाएगी। एमएड प्री एमएड की जो परीक्षा है वो 6 जून 2021 को होना प्रस्तावित है। तो आप सभी जिन्होंने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है वो संबंधित वेबसाइटों पर जाकर अपना फॉर्म अवश्य फिल कर दें और जानकारी के लिए वेबसाइट के हेल्प बटन का उपयोग करें। इस वीडियो से संबंधित या एमएड एंट्रेंस एग्जाम उसका सब्जेक्ट उससे संबंधित कोई भी जानकारी आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं यथासंभव कोशिश करूंगा कि आपकी समस्याओं को दूर कर सकूं। दोस्तों आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझसे संपर्क कर सकते हैं और इसी प्रकार के अन्य वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को आगे बढ़ाएं। हरे कृष्णा।